तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कुछ फ्रेंड्स ने कमेंट किया था कि आप अपनी रमज़ान की रूटीन दिखाओ। तो ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं है ज़्यादा, और साथ में हमारी मम्मा की भी रूटीन आएगी स्पेशली। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अभी हमारी इफ्तार हो सहरी हो चुकी है। नमाज अब्दुल्ला, अलीशा, आयजा, अली सब ने पढ़ ली है, सिर्फ मेरी रहती है क्योंकि मैं ज़रा किचन समेट रही थी, क्योंकि मुझे है कि किचन समेट के बिल्कुल नमाज पढ़ के फिर आराम से बैठूं। तो अभी मैं बर्तन धो रही थी, अब्दुल्ला ले आया क्या, अभी सहरी के बर्तन धो के पहले नमाज पढ़ के फिर आपसे बात करती हूँ। तो नमाज मेरी हो चुकी है, नमाज फजर मैंने पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और इस टाइम हम कुरान नहीं पढ़ सकते, हम पढ़ते हैं नमाज ज़ोहर में उठ के कुरान पढ़ते हैं, अली भी पढ़ते हैं, क्योंकि इस टाइम बच्चों को सुलाना ज़रूरी होता है। और जब तक हम रूम में ना जाएं तो बच्चे भी नहीं सोते। ज़्यादा बड़ा घर नहीं है मेरा, दो रूम का घर है, तो साथ मिलजुल के एक दूसरे की हरकतों का पता चलता रहता है। तो अगर हम यहाँ बैठ जाएँ ज़्यादा देर तो बच्चे वहाँ रूम में जागते रहते हैं, जो कि बच्चों के लिए सही नहीं है, क्योंकि इनको उठ के ऑनलाइन क्लासेस लेनी होती हैं। तो स्पेशली आयजा वो बार बार आती रहती उठ के, मम्मा आप कब आएंगी, आप कब आएंगी। तो हमने फिर कुरान पढ़ने का टाइम रखा हुआ है जोहर में। तो अभी हम सो जाएंगे सब रूम में। अभी मैं आपको जाके दिखाती हूँ, सब एक घंटा पहले नमाज़ पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी वो मेरे वेट में है कि मैं जाऊँगी तो ये सब सोएंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसलिए हम फिर जोहर में उठ के नमाज़ पढ़ते हैं ताकि बच्चे टाइम से सो जाएँ। आए मैं आपको दिखाती हूँ। चलें सब रूम में उधर, इस रूम की मैंने लाइट बंद, आई में देखें बच्चों के पास नहीं सोए ना, हाई साहब भी नहीं सोई। मम्मा हम लोग आपका वेट कर रहे थे कब से, मम्मा आए सोए। मम्मा नमाज पढ़नी थी, आपको पता ना किचन समेट के आना था। मैं को बोल देती हूँ, मैं कर देती हूँ। ओहो क्या करती है, और ये कैमरा क्यों उठाया हुआ है? मैंने कहा मैं आयजा को रिकॉर्ड करूँ, आज मेरी आयजा अच्छी अच्छी बातें करेगी। तो हमें क्यों नहीं रिकॉर्ड करना? ये पापा भी सो रहे हैं या पापा जी ड्रामे कर रहे हैं? ये वो रही अलीशा आपने बिस्तर पे, ऊपर अब्दुल्ला, ये सरताज, ये मेरी जगह, ये है मेरी आयजा की जगह। आयजा अलग से सोती थी, आयजा का यहाँ बेड था सेंटर में लिया हुआ था, लेकिन अब आयजा उस बेड के हिसाब से बड़ी हो चुकी है। सुबह मिलते हैं 12 बजे आयजा की क्लास है, आयजा को उठाना है। आयजा सो जाओ, हरी अप लेट हो, हरी अप, सुबह उठाऊंगी आपको। ओके क्लास का टाइम है, सब सो रहे हैं ठंडा रूम में। आयजा मीठी, आयजा मीठी आ जाओ मेरी शहजादी, आ जाओ क्लास ले, आ जाओ मेरा बच्चा, आ जाओ क्लास टाइम, आ जाओ गिमी है जल्दी, हरी अप टाइम हो गया, अच्छे से। बस ये मेरी नेक औलाद माशाल्लाह एक ही आवाज़ पे उठती है, माशाल्लाह एक ही आवाज़ पे। आज सुनो कि आज क्लास नहीं दिलवाई,
आज क्या बल्कि पिछले दो दिनों से मैं नहीं ले रही क्लास इस वीक की, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है। पहले इनकी टाइमिंग थी 6:30 बजे, तो इजीली हो जाता था कि नमाज फजर 5 बजे होती है, नमाज पढ़ के बच्चे होमवर्क करने बैठ जाते थे, 1 घंटा गुजर जाता था, क्लास ले लेते थे, फिर 10 बजे सो जाते थे। अब स्कूल वालों ने टाइमिंग चेंज करके 8:30 कर दी है, तो 8:30 बजे तक वेट करना या फिर 2 घंटे बाद उठना बहुत मुश्किल होता है। सऊदीया की रूटीन के हिसाब से यहाँ सारी रात जाग के बच्चे रोज़ा रखते हैं, तो 8:30 बजे तक जागना इम्पॉसिबल। तो उस हिसाब से फिर मैंने इस वीक से उनकी क्लासेस बंद करा दी हैं, और गूगल क्लासरूम में जो काम आ जाता है डेली के डेली, मैं उनमें से इनको नोट करा देती हूँ। अभी मेरी नींद इतनी थी जो मैं सुबह 6 बजे सोई, और अभी देखिए 12 बजे आयजा की क्लास स्टार्ट हुई है, वो देखिए 1:00 होने वाला है, इसके अभी 5 मिनट में क्लास ख़त्म हो जाएगी, फिर मैं नमाज़े ज़ुहर अदा करूँगी। गाइस मेरी क्लास हो गई है, मैं जाऊंगी सोने, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है, वगैरह आप भी सो रहे हैं, तो आपको मिलेंगे सुबह को जब मैं फ्रेश हो जाऊंगी। बाय बाय माँ, अभी आ जाना। सो जी, नमाज ज़ुहर मेरी हो चुकी है, कुरान पढ़ने बैठ रही थी, फिर याद आया कि मुर्गी निकाल के छोड़ दूँ, क्योंकि मेरी आहिस्ता आहिस्ता अभी से स्टार्ट हो जाएगी हर। सो हाय, मैं आई हुई हूँ बाहर, बस ये आए, आयजा भी साथ है, आयजा नहीं सोई, बाहर आ गई थी रूम से, क्योंकि उसको पता था मम्मा रूम में नहीं आई, तो ये आई हैं, तो मैं फटाफट अबाया डाल के नीचे आ गई हूँ। मैं जा रही हूँ थोड़ा मार्केट बलद, मुझे चाहिए था कुछ सामान, देखते हैं वहाँ मुझे कितना टाइम लगता है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस 1/2 घंटे 1/4 घंटे का काम है करके फिर आए इंशाल्लाह। हम आ गए घर, असर हो गई। आज हम कहाँ गए थे? यस, मुझे पार्लर के लिए कुछ सामान चाहिए था, हम ले आए, घर आ गए, घर आ गए, घर आ गए। दल्ला लोग अभी तक सो रहे हैं, इनको पड़ेगा उठाना। अब दल्ला लीशा उठो, मम्मा असर हो गई, सोने, आप लोग सो रहे हैं और हम लोग तो बाहर से भी होके आ गए। अलीशा अलीशा उठो, मम्मा असर हो गई, देखो मेरी आयजा जाग रही, उठो 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 अलीशा, आयजा गो टू वॉशरूम, मॉम आप नहा लो, सोने, बहुत गर्मी थी बाहर। बहुत ही ज़बरदस्त सा मीठा जो बच्चे भी शौक से खाते हैं, मैंने कहा चलो इसको ठंडा होने के लिए टाइम मिल जाएगा, इसको सबसे पहले बना दूं। सही है, सो चिकन रख दी मैंने सूप के लिए, उसमें से थोड़ी सूप के लिए निकालूंगी चिकन, बाकी इनके समोसों में यूज़ करूंगी। ये बॉक्स मैंने इनके 150 समोसे का बॉक्स बना के रखा था, जिसमें से ये सारे चिकन वाले खा गए हैं और आलू वाले रहते हैं, क्योंकि डेली इनसे पूछा जाए तो सब यही कहते हैं हम चिकन का खाएंगे बच्चे, आलू वाले मम्मा हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। फिर मैंने इनको यूँ समझे ये आलू वाले समोसे पनिशमेंट के तौर पर खिलाए कि जब तक ये ख़त्म नहीं होंगे मैं चिकन के समोसे नहीं बनाऊँगी, तो अब जब तक ये ख़त्म नहीं होंगे मैं इनको नहीं दूंगी वो। इसके अलावा आलू और चिकन के समोसे बनाने के अलावा डेली के डेली मेरे बनते हैं ये चीज़ वाले समोसे, जो मैं फ़्रेश बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ये फ्रीज हुए हुए या 1-2 दिन के अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उसमें चीज़ ना ड्राई सी हो जाती है, सी वेस्ट हो जाएगा, तो मैं अगर डालूँ, क्योंकि मैं मीठा नहीं खाती बग़ैर पिस्ते के, बस औलाद मेरी थोड़ी अपोज़िट हुई हुई है, जहाँ पिस्ता देखेंगी वो चीज़ नहीं खाएंगे, तो मैं ये सिर्फ़ अपनी साइड पे थोड़ा थोड़ा डालूंगी, और इनको देखना
मैं कोई अभी भी बुला के मैं दिखाऊंगी कि देखो सोने मैंने ये सिर्फ अपनी साइड पे डाला है, आप लोग दूसरी साइड से खाना, फिर भी वो कहेंगे कि नहीं जी आपने अंदर डाल दी है क्योंकि मुझे मीठा नहीं अच्छा लगता बगैर बादाम पिस्तों के। सीधी सी बात है, आजकल की नस्ल, मैं कहती हूँ ये जो न्यू जनरेशन है बहुत ही नाशुक्री है, अल्लाह ताला ने इनको हर चीज़ अवेलेबल दी है, शायद जो चीज़ ये खा रहे हैं हमने अपने बचपन में ना खाई हो। तो बहुत इनको समझाती हूँ कि सोने नाशुक्री मत किया करो, जो मिले खाओ, ये बादाम पिस्ता, शायद वो बच्चे भी होंगे जिन्होंने आज तक चखा नहीं होगा, अल्लाह माफ़ी, अल्लाह सबको नसीब करे, सबको नसीब करे। मैं कहती हूँ शुक्र अदा किया करो कि आप लोगों को चीज़ें नसीब हो रही हैं, नाशुक्री मत किया करो, खा लिया करो। वैसे ये सब वो चीज़ें हैं जो डेली रूटीन में बनती हैं, इसमें से कुछ भी नहीं है जो मैं आज स्पेशली बना रही हूँ, नहीं, डेली रूटीन का है। समोसे डेली, पकौड़े डेली, मेरे पकौड़ों का मटीरियल है जो ये छोटा सा आलू और ये एक प्याज, थोड़ी सी पालक, धनिया, ये सब बाकी मसाले वगैरह मिला के काफ़ी मटेरियल बन जाता है। ये हमारी फैमिली के हिसाब से बहुत ज़्यादा मटेरियल है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पकोड़े कोई भी नहीं खाता, मैं भी नहीं खाती, ज़्यादा से ज़्यादा एक चख लूँगी, लेकिन बनाती मैं ज़रूर हूँ क्योंकि जी बच्चे घर में पीछे अकेले होते हैं। मैं अभी 9 बजे पार्लर चली जाऊँगी, पार्लर 9 से रात 2 बजे तक मैं वहीं होंगी, तो पीछे इस टाइम तो शायद बच्चे जो नहीं खाते समोसों पे जो गुजारा करते हैं पेट भर के हट जाते हैं, लेकिन ये वो पकोड़े हैं जो बाद में माँ के ना होने की वजह से उनको जो भूख लगती है पीछे, ये बने हुए रखे होते हैं, बॉक्स में रख जाती हूँ तो ये खा लेते हैं। और जो सुफरे पे यानी दस्तरखान पे उस टाइम ये लोग मीठा नहीं खाते वो खा लेते हैं। फिर जो है जी बर्गर लेके रखे हुए हैं, अंदूमियों के पैकेट इनके लेके रखे हुए हैं, ये फ्रायर में खुद ही माशाल्लाह मेरा अब्दुल्ला नगेट्स निकाल के फ्राई कर लेता है, खुद भी खा लेता है, नहीं तो इनके पापा घर पे होते हैं क्योंकि अभी भी वो अपनी जॉब से होके आ चुके हैं, 2 घंटे का रेस्ट ले रहे हैं, सो गए हैं, वो वापस मुझे मार्केट से लेके आए थे, मैं गई थी खास किया, मैंने कहा साथ साथ पकौड़ों का सामान काट दूँ और ये छोड़ जाऊँगी मैं, सही है, ये बच्चे खा लेंगे पीछे और जब उनको भूख लगेगी अपने हिसाब से। इनके माशाल्लाह पीछे मैं जो 4-5 घंटे नहीं होती, फ़िलहाल जो मेरी रूटीन है 9 से 2 ड्यूटी है मेरी, तो 9 से 2 में ये इनका इसी से पेट भर जाता है कि एक बर्गर खा लेते हैं, ये पकौड़े खा लेते हैं, नहीं तो अंदूमी बनवा लेते हैं पापा से, और क्या कहते हैं अंडा, अंडा भी फ्राई कर लेते हैं माशाल्लाह। अली मेरे, अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे, बहुत एक्सपर्ट हो गए इन चीज़ों में बच्चे संभालने में, क्योंकि मैं ये कोई आज से नहीं, पिछले जब से शादी हुई है साल बाद से ही जॉब स्टार्ट कर दी थी, उससे पहले भी कर रहे थे लेकिन शादी के साल बाद फिर स्टार्ट की थी। और रमज़ान के एंड में मेरी लाइफ बहुत टफ हो जाएगी क्योंकि जोहर से ही मुझे पार्लर जाना होगा और रात में 3-4 बजे आऊँगी, जिसमें सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं मेरे बच्चे क्योंकि वो मुझे बहुत मिस करते हैं, फिर पीछे सारा दिन घर में अकेले होते हैं, घर आती हूँ तो ऐसे लगता है पता नहीं मैं कौन से जहाज से वापस आई हूँ, बच्चे ऐसे मिलते हैं, ऐसे गले आके लगते हैं क्योंकि ये सो रहे होते हैं, मैं जा चुकी होती हूँ, तो फिर सुबह में ये मुझे देखते हैं, सुबह मीन रात के 3-4 बजे फजर के, तब पार्लर बंद करके आते हैं। अभी भी मैं मार्केट गई थी पार्लर का सामान लेने, काफ़ी दिनों से लेना चाह रही थी, इनको टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो आज ये आए और इन्होंने कहा आ जाओ, टाइम मिला है तो हो आते। फिर मैं गई बलद, बलद में है कोई ख़ास किया मार्केट होलसेल का, वहाँ पे सामान मिलता है, तो मुझे चाहिए था कुछ स्टफ़ जो है आजकल कोरोना की वजह से सेफ्टी में चल रहा है, सेफ्टी कवर चाहिए थे, यानी कि होलसेल के हिसाब से मुझे काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए थी। आगे अब्दुल्ला उठ गए, चलो सोने नमाज़ पढ़ो। और वो सामान लाने के बाद मैं, आपको पता है बच्चे सो रहे थे, इनको उठाया, सफाई के बाद मैंने कहा किचन में मेरा सारा टाइम निकल जाएगा क्योंकि मेरी कोशिश होगी मैं साथ साथ सब समेटती जाऊं, पीछे बर्तन ना छोड़ जाऊं, कोशिश होती है, बहुत कोशिश होती है कि पीछे बच्चे ना तंग हों, अली ना तंग हों, वरना माशाल्लाह कोई प्रेशर नहीं है कि करके ही जाओ तो कर लेते हैं माशाल्लाह खुद भी, बस मेरी कोशिश होती है कि बच्चे पीछे तंग ना हों। तो देखें, खैर से अभी पकौड़ों का मटेरियल मेरा तैयार हो रहा है, इसके बाद मैं बनाऊँगी फ्रूट चाट क्योंकि मेरे फ़ोन पे ही कॉल टीचर की आई थी, तो उनकी ऑनलाइन की क्लास आ रही है, और यानी कि कोरोना के हिसाब से जो मुझे स्टफ़ चाहिए था होलसेल के हिसाब से वो मैं लेने गई थी बलद ख़ास किया से, वो लेके आई हूँ सबके लिए, कवर चाहिए थे, कैप्स चाहिए थी, ग्लव्स चाहिए थे होलसेल के हिसाब से। सो बन गए इनके चीज़ के समोसे भी,
माशाल्लाह से 12 समोसे हैं इनके आलू वाले और 14 समोसे बन गए हैं जी चीज़ वाले। ये है मेरे बच्चों की सेहत का राज, ये खाएंगे पेट भर के, बाकी सब छोड़ देंगे। माशाल्लाह अब्दुल्ला बहुत सोया, अब्दुल्ला टू मच, आज अब बहुत सोयो। मार्केट जाने का आपने ये फ़ायदा उठाया, आज अब बहुत सोयो। सवा छः हो गया, टाइम है अब पकौड़े समोसों का। फ्रायर कर दिया मैंने ऑन, खैर से हो गया सब अल्हम्दुलिल्लाह। रूटीन है तो हर चीज़ अपने टाइम से हो जाती है। बर्तन भी मेरे साथ के साथ धुल गया, क्योंकि इस टाइम बर्तन छोड़ने का सोच भी नहीं सकती मैं, क्या मेरे ख्याल से कोई भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सबको पता है जो अफ्तार के बाद स्टार्ट होंगे बर्तन, उफ़ तौबा, ये जो बना है ना 10 बर्तनों में वो निकलेगा 20 बर्तनों में से। फिर साथ साथ चाय हर चीज़ उस हिसाब से, तो देखते हैं अभी कब गर्म होता है, फिर मैं इनको फ्राई करूं। ये काम तो मेरे सरताज भी कभी कभी हेल्प में कर देते हैं, आज लगता है कुछ ज़्यादा थके हुए, आज उनकी आँखें नहीं खुल रही, सोए हुए हैं सोए। ये मेरा कर रहा है शहज़ादा, किंग मेरा करता है माशाल्लाह। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पीछे अगर इन लोगों को भूख लगे तो नगेट्स भी फ्राई कर लेते हैं, इसमें नगेट्स बर्गर अपना भी बनाता है, बहनों को भी बना के देता है। क्यों अब्दुल्ला? ये सबसे इजी काम है, इजी हो। समोसे मैं इसको देती हूँ, ये माशाल्लाह कर देते, इतने में अगर मेरे बर्तन हो जाए ज़्यादा मैं बर्तन धो लेती हूँ, तो अब्दुल्ला अपना समोसे फ्राई कर देता है, नहीं तो बर्तन धो देता। माशाल्लाह ये मेरा हेल्पफुल बच्चा है, कोशिश पूरी होती है इसकी कि मम्मा के साथ साथ रहूं, मम्मा की हेल्प करूं। अल्लाह बस इसे नेक बजाए बजाए मम्मा पता है मैं रोज़ों में इतना बोली नहीं जितना मुझे आज बोलना पड़ा, मेरी जबान खुश हो गई। मेरा भी वही हाल होता है अपने में, अल्लाह ना बजाए आपको, आपको अल्लाह नेक ही बनाए अब्दुल्ला। क्योंकि अभी मैं अपने मेन चैनल पर जो मेरा गेमिंग चैनल है उस पर मैं वीडियोस नहीं बनाया इसलिए और मजाक की वजह से, क्योंकि बहुत प्यार लगती है। हाँ खैर से देखिए अल्हम्दुलिल्लाह यही है हमारी रूटीन, कुछ स्पेशल नहीं है। अब्दुल्ला मुझे बार बार कह रहा था मम्मा रूटीन बनाया, मैंने कहा सोने क्या रूटीन बनाई, ये स्पेशल नहीं है कुछ, ये रोज़ की जो हमारी मेरी रूटीन है स्पेशली उठना बनाना, क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ नहीं बनाती, एक्स्ट्रा उसी दिन बनता है जिस दिन मेरा ऑफ होता है, और मेरा ऑफ होता है संडे को, और आपने देखा होगा संडे को हम लोग अक्सर मैं बच्चे लेके बाहर चली जाती हूँ, फिर खाना हम बाहर का ही खाते हैं। क्यों अब्दुल्ला? ये जैसे हमारा कॉर्निश का व्लॉग था वो संडे का था, क्योंकि उस दिन मेरा ऑफ था, फिर इसी वजह से संडे वीडियो बन जाती है। हाँ लेकिन बाहर में इनको छुट्टी वाले दिन ले जाती हूँ, फिर उस दिन कुछ स्पेशल हो जाता है, या तो घर पे स्पेशल बनाती हूँ, जैसे क्या बनाते हैं अब्दुल्ला? जिंगर और चिकन टिक्का हो गया, ये चीज़ें, फिश हो गई, वो फिर मुझे बहुत मेहनत चाहिए होती है, टाइम चाहिए होता है, मैं फिर उन चीज़ों से ज़रा भागती हूँ, बाहर से ले ले बंदा वही बहुत है, तो इसलिए घर में बहुत कम ही प्रेफर करती हूँ बनाना, बहुत मेहनत लगती है, और मेरे लिए एक दिन छुट्टी का होता है तो मैं उसको थोड़ा रेस्ट में गुजारना चाहती हूँ, तो इसलिए अली भी यही कहते हैं कि हम बाहर से ले लेंगे, तुम तंग नहीं हो। और ये तो रमज़ान की रूटीन है, रमज़ान गया मगरिब के बाद वाला टाइम मुझे वाकई ऐसा लगता है कि पर लग गए वक्त को मेरे पास फिर, क्योंकि ये चाय का कप, उसके बाद जी नहा के जाना, आपको पता ये जो समोसे पकौड़े की स्मेल है, हम पाकिस्तानी लेडीज़ उफ़ सारा दिन जो किचन में गुजार देती हूँ, फिर मैं पार्लर में ऐसे नहीं ना रुक सकती। हो गए मोम शायद? ओके हो गए, डन। बहुत खूबसूरत कलर आया है, अब आप इनको थोड़ा ड्राई होने दो, डेली नहा के फ्रेश होके जाना मेरे लिए टाइम कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर, इसलिए साथ साथ नहीं सेवन अपनी डाली, खैर से इंशाल्लाह फिर दस्तरखान पे मिलते हैं। तो जी हमारा हो गया सब रेडी, ठीक है सब बन गया टाइम से, 7:45 हो रहे हैं, अब हम खोलेंगे रोज़ा बिस्मिल्लाह करके, अजानें होने वाली हैं, तो आप लोगों से तो बहुत बातें होगी, अब थोड़ा हम कर लें अल्लाह से बातें, स्पेशली मैं, सही है अल्लाह से बातें कर लूँ थोड़ी, फिर आप लोगों को मिलूँगी मैं 8 बजे तक, क्योंकि रोज़ा खुलने के बाद मैं नमाज़ मगरिब पढ़ने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट लूँगी, 8 बजे तक मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं सिर्फ़
नमाज के बाद ना एक जगह ढेर हो जाऊंगी तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मैं 8 बजे मिलूंगी, जब मैं चाय वगैरह बनाऊंगी, 8 बजे उठ के मैं चाय बनाऊंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे आज तो सो रही है ना, साय उसके भी समोसा खा देंगे, उसके 6 समोसा हम लोग आधे आधे कर लेते हैं, क्या फायदा। डन, आपके 3 मेरे। नहीं नहीं सारे मेरे, मैं क्या खाऊँ। आप समोसा खा लेना, अपने समोसे खतरे में देख के आयजा उठ गई। आयजा सोते हुए उठ गई कि आज मुझे समोसे नहीं मिलने। मैंने कहा ना मेरे बच्चों की सेहत करा, समोसा समोसा। तो आप लोगों को जैसे पता है कि मम्मा की रूटीन अभी भी चल रही है, तो हम मम्मा की हेल्प करते हैं, मलिशा करते हैं, जैसे कि कोशिश करते हैं कि जब उठे तो अपने अपने बिस्तर समेट दे। हाँ वो भी कर लेते हैं, और साथ में पढ़ाई भी कर लेते हैं हम लोग। और जो आयजा का तो पूछो ही ना, आयजा जो गंद मचाती है उसे हम साफ करते हैं, हमें साफ करना पड़ता है। मैं कब करती हूँ गंद, मैं तो बैठी रहती हूँ, क्या जोक है। हाँ 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 और क्या करते हैं, और क्या करते हैं उसे घर को साफ, कोशिश करते हैं। हाँ कोशिश करते हैं कि साफ करते हैं। और मैं हलीशा हूँ, मैं टैब देख रहे होते हैं पूरा दिन या टीवी देख रहे होते हैं। मेरे तो हेडफोन्स लगे हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, यार अभी थंडरिंग हो रही है, थंडरिंग हो रही है, चलो दिखाते हैं। मिला तो अभी वो सामने हुई थी, हमने कैमरा ऑन जल्दी नहीं किया। वो देखिए वो हुई, बारिश हो गई, वो भी से हुई, लगता है सच्ची में बारिश होनी है। वो देखिए आज लगता है बारिश होगी, भाई क्या कर रहे हो। मैं अपना पीसी यूज कर रहा हूँ। पीसी क्यों। बस ऐसे डिस्कॉर्ड का है ना, वो मैंने करना है, वो करना है। गाइस मैं अपना डिस्कॉर्ड अपना सर क्या कहें टैप गिर गया, तो मैं अपना डिस्कॉर्ड सर्वर के बारे में बताता हूँ। ये मेरे मेन चैनल के लिए जो मेरा गेमिंग चैनल है, लेकिन अभी ये ऑन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपको मेरे से बात करनी है, मैं इस पीसी पे 2 घंटे तो रहता ही हूँ, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाके आओ, ज्वाइन करो। मैं मेन चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि और लाइक भी तो मैं आपको अपने सेटअप के बारे में बताता हूँ। ये हेडफोन्स जो मैंने मंगवाए थे ऑनलाइन, बहुत ही अच्छा हेडफोन है। ये हर एक यूट्यूबर जैसे यूट्यूबर के पास भी ऐसे ही हेडफोन्स थे आएंगे। और ये है मैकेनिकल फील कीबोर्ड जो आवाज़ दे देता है, ऐसे आवाज़ देता है। और ये है माउस जो इसी के साथ सेट में मिला था। और ये कंट्रोलर है PS4 का जो मेरे मामू का है, जो मैंने ले लिया। ये बहुत ज़्यादा गेम्स खेलते नहीं है, तो मैं ज़्यादा गेम खेलूँगा तो मैं ये कंट्रोल लगा के लगाऊंगा। और यहाँ पे मैं ये सारी बुक्स पाई हैं, और ये ऊनो कार्ड भी पाए मैं भाई की वॉच है, और ये मुझे गिफ्ट मिली थी। और ये सारी टेबल है, ये मॉनिटर, मेरे पास एक ही मॉनिटर है, लेकिन जब ईद आएगी और जब मेरे को ईदी मिलेगी तो मैं एक नया CPU लूँगा, CPU और मॉनिटर। तो अलीशा ये कहना चाह रही थी कि मैंने अपनी सेटअप टूर की वीडियो अपने मैंने मेन चैनल पे भी डाली हुई है, जो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, और सब्सक्राइब भी कर देना। और उस चैनल पे 132 सब्सक्राइबर्स हैं, क्योंकि मैं उस चैनल पे 1 साल से काम कर रहा हूँ और अभी तक 200 नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, जाके सब्सक्राइब करो उसको। और मेन चैनल पे अलीशा भी मेरे साथ होगी, अभी दिखाता हूँ, तो उस पे भी जल्दी वीडियो आएगी, क्योंकि मैंने शायद 1 महीने से कोई वीडियो नहीं डाली उस चैनल पे। गो एंड सब्सक्राइब, बस मेन चैनल। मैंने ये देखें आटा बनाया, 8:15 हो गए, बच्चों ने कहा कि मम्मा जी आपकी रूटीन 8 बज गए। मैंने कहा जाओ लियो आटा, मैं गूंथ चुकी हूँ, ये मैं डेली गूंथ के जाती हूँ, क्योंकि रात में मुझे आते हुए कभी 2 से ज़्यादा काम आ जाए पार्लर में, तो 2:30 भी हो जाते हैं, 2:45 भी हो जाते हैं, तो आके आटा बनाना मेरे लिए मुश्किल होता है। ये मैं इस टाइम रख के जाती हूँ डेली के डेली बना के, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मेरे बच्चे घर की रोटी खाएँ, क्योंकि लास्ट के दिनों में जितनी मैं बिज़ी हो जाती हूँ फिर ये बेचारे बाहर की खा रहे होते हैं शहरी, तो इसलिए मैं शुरू में इनको 15 से 20 दिन घर के ही पराठे देती हूँ डेली हर रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह। और चाय भी मेरी रेडी है चूल्हे पे, अब्दुल्ला चाय दिखाओ मेरी।
चाय पे मेरी माँ गई जोश, तो अब हम बैठ के पियेंगे। मैं बैठूंगी ज़रा सुकून से अपने अली के पास और बच्चे अपनी खेल में लग गए हैं। अब हम थोड़ी गपशप मार के इंशाल्लाह 8:30 बजे तक चाय पी के फिर हम फ्री। 9 बज चुके हैं, मेरा पॉलर टाइम इज़ गॉन। मैं जा रही हूँ, मैं अबाया पहन चुकी हूँ, रेडी हो रही हूँ। बच्चों को उनका होमवर्क दे दिए है, होमवर्क इनका इनको दे दिए। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद ये होमवर्क करने बैठ जाएंगे अपना। आप लोगों को अपना होमवर्क मिल गया? यस। हवा अच्छी है बाहर, है ना? चलो पापा को बोलूँगी, अगर इन्होंने जल्दी पढ़ लिया तो इनको बाहर ले जाओ, ठीक है? फिर बाहर से होके आना आप लोग। मम्मा का पॉलर आ गया, आज हम उनको बड़े दिनों बाद छोड़ने आ रहे हैं पॉलर। तो ये है पॉलर, इशारा सहाफ़ा पे है, STC कंपनी के बिल्कुल फ्रंट पे, अलमासी अलमुदई के नाम से। अभी मैं यहाँ, रमज़ान टाइमिंग हमारी है 9 से 2 बजे तक मैं यहाँ पे हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मैं 21 रमज़ान से बाद जोहर के ड्यूटी दूंगी, यानी कि जोहर के बाद मेरा पॉलर ओपन होगा इंशाल्लाह से। मेरी कुछ सिस्टर्स लोकेशन मांग रही थी, इंशाल्लाह मैं लोकेशंस भी आपको देती हूँ डिस्क्रिप्शंस में, आपको इंस्टाग्राम की आईडी भी देती हूँ। ये रमज़ान वेलकम के हमारे लगे हैं और जिसको पार्लर की टाइमिंग वगैरह और रेट्स चाहिए वो डिस्क्रिप्शंस में मैं छोड़ दूँगी। वैसे इंस्टाग्राम आईडी भी मैं दे दूँगी तो उसमें आप लोग दे सकते हैं, और जिसके पास इंस्टाग्राम आईडी ना हो तो डिस्क्रिप्शंस में सब होगा। यहाँ फुल सेफ्टी के साथ, फुल रूल्स के साथ, मेरी लड़कियाँ 3-4 हैं यहाँ पे खैर से, लेकिन अभी सारी साइड पे होके छुप के बैठ गई हैं। ये सेफ्टी रूल है हमारी बल्दिया की तरफ से, ये जो चीज़ें हम यूज़ नहीं कर सकते, ये एक्स्ट्रा चेयर्स, एक्स्ट्रा हर चीज़, क्योंकि यहाँ गैप से बिठाना है सबको, पूरी सेफ्टी के साथ हिसाब किताब हुआ हुआ है, हर चीज़ समेट दी गई है कि एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। यहाँ पे 4 चेयर्स होती थी, यह सेंटर से भी बल्दिया ने हटा दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रूल के साथ पॉलर फॉलो किया जा रहा है। मैं अब रात को 2 बजे तक यहीं हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों को मैं मिलूंगी फिर शहरी में, अब मेरा ड्यूटी टाइम है। तो मम्मा को हम छोड़ के आ गए हैं और हमारा अब पढ़ने का टाइम हो गया। अलीशा वहाँ पर आएगी, मैं अपने कंप्यूटर के डेस्क पे पढ़ूंगा। और ये तो अलीशा का काम ही है, रमज़ान नहीं होता तो ये गाने सुन रही होती हेडफोन लगा के, और अब ये नाते सुन रही है और इसका काम चल रहा है। मैं आपके स्किटल्स के लिए और ये जेली दे दो मुझे, तो मेरे को फ्री की कैंडी मिल गई। तो आज आप क्या कहोगी? मुझे पढ़ाने के लिए आप ही है क्योंकि मम्मा नहीं है, मम्मा मुझे घर आके। हाँ मम्मा अगर घर पे नहीं होती तो अलीशा आज आपको कुछ टेस्ट दे देती है, या कुछ स्पेलिंग भी दे देती है, मतलब टेस्ट ही है, स्पेलिंग भी एक ही चीज है। मैं टेनी टॉस में ओके। हाँ टेनी टॉस भी हम पिया है इसी में, तो छोटी इसलिए। तो हम आपको मिलेंगे जब हमारी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी और मम्मा आ जाएंगी। तो हमारी मम्मा आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मा जी, इतने लेट क्यों हो गई? 3 बज रहे। बिजी थी हमारी पढ़ाई भी ख़त्म हो गई। ये आपने तो क्या किया? हम ठीक है, आप सुनाए। अस्सलाम वालेकुम, आगे मैं पॉलर से, 3 बज गए, लेट हो गई आज, थोड़ा कस्टमर था तो ये देखें बर्तन में धो के गई थी। हाँ ये मैं ज़रूर छोड़ के गई थी चाय की और लास्ट में सूप वाला पतीला, क्योंकि इतनी परफेक्ट भी नहीं हूँ, छोटे छोटे बर्तन धो गई थी कि बच्चे पानी चाय जो भी बाद में करते रहे। तो ये देखें ये सब खाली करके छोड़ दिया इन्होंने, ये बर्तन यूज़ कर दिए। अब मैं बनाऊँगी आटा, मैं छोड़ गई थी पराठे बनाऊंगी सहरी के लिए, तो कह रहे लेट होगी, मैं बाहर से पराठे ले आया तो मैंने कहा नहीं आटा छोड़ दिया था तो आज बना लेती हूँ। आगे आप लोगों ने बाज़ार के पराठे खाने, तो खैर से बिस्मिल्लाह भी मैं तैयारी करती हूँ अफ्तार की। पराठे मेरे बन रहे हैं बच्चों के लिए, बच्चे खाते हैं पराठा, अली और मैं खाते हैं जी सादी रोटी।
इनके चाय रोटी खाएंगे, चाय भी मेरी रेडी है। और यहाँ खड़े हैं जी सरताज, मेरे लस्सी बना रहे हैं। लस्सी डेली यही बनाते हैं, इनकी ड्यूटी है। जैसे मैंने दोपहर में बताया था कोऑपरेटिव है, लेकिन आज पता नहीं क्यों सारा दिन सोते रह गए। चलें जल्दी से सैरी तैयार हो रही है। एक्सपर्ट नहीं हूँ पराठों में, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे खा लेते पेट भर के, मेरे लिए यही बहुत है। दो दो सबके बना दिए, एक रोटी अली की, एक अपनी और एक एक्स्ट्रा के मैं भी अगर भूख ज़्यादा हो स्पेशली मुझे। ओके हटो 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 हटो। सो सैरी होगी तैयार, ज़्यादा कुछ नहीं, जो बच्चे खाते हैं उतना ही बनाऊँगी, एक्स्ट्रा कभी भी नहीं बनाऊँगी। ना मेरे पास टाइम होता है, ना मैं वेस्ट करना चाहती हूँ। अब्दुल्ला क्या खाएगा? अब्दुल्ला खाएगा चाय पराठा जो वो खाता है। अलीशा को आज एक्स्ट्रा चाहिए था, अलीशा को चाहिए था चीज़ ब्रेड, वो अपनी चीज़ ब्रेड भी बना लाई, लेकिन वो कह रही है मैं चाय पराठा भी खाऊंगी, अंडा पराठा भी खाऊंगी। और आयजा मेरी क्या खाएगी? अंडा पराठा। ये अली की मेरी सादी रोटी, ये बने हैं करेले गोश्त जो मैंने कल बनाए थे, तो आज सालन नहीं बना, एक दिन छोड़ के एक दिन बनाते हैं, तो आज हम खाएंगे इसी के साथ। ठीक है मम्मा, चलो बिस्मिल्लाह करो और सहरी स्टार्ट करो आप लोग। आयजा ये हमारी रोटी है, आप अपना पराठा लो सोने, वो ड्राई रोटी हमारी है, ये लो ये आपका पराठा अंडा, यही खाओ अब। हमारे काम हो गए सारे कंप्लीट, हम हो गए फ्री, डन डन डन, सब हो गया डन। तो मेरी रूटीन के हिसाब से, जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा, जिस तरह घड़ी की सुई चलती है उसी तरह ही मेरी रूटीन चलती है, क्योंकि मैं आगे पीछे हो जाऊं तो मेरे काम रह जाते हैं। ये थी हमारी रमज़ान की रूटीन, जो मेरी फ्रेंड्स कह रही थी कि रूटीन दिखाएं, अपनी रूटीन दिखाएं। जो मुनज़्ज़ा अयूब हैं स्पेशली सिस्टर मेरी, उनके लिए मैंने लिंक छोड़ा है नीचे, आप लिंक जाके देखें, इंस्टाग्राम का छोड़ा है मैंने। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ रेट लिस्ट भी उसके अंदर देती, लेकिन आप आएँ मोस्ट वेलकम, आपको लोकेशन भी दूंगी, पॉलर मैंने दिखा दिया। और ये थी हमारी रमज़ान रूटीन, सेम सेम सेम, पिछले 15 दिन से भी मेरा रूटीन सिस्टम यही है और आगे 15 दिन भी यही रहेगा। बस इसमें ये इंक्लूड हो जाएगा कि ये लास्ट के 10 डेज़ बेचारे बाहर से खाना खाएंगे तो मैं होंगी नहीं। और क्या कहते हैं, रमज़ान के बाद की रूटीन मेरी थोड़ी चेंज हो जाती है, बल्कि ज़्यादा चेंज हो जाती है, क्योंकि वो पॉलर टाइम होती है मेरी 4 बजे से, यानी असर के टाइम 4 बजे से रात 11 बजे तक। तो उस हिसाब से हमारा सोना उठना, बच्चों की स्कूल रूटीन, वो हर चीज़ फिर रूटीन से चलती है, वो मेरी टाइमिंग हो जाती है चेंज, तो उसी हिसाब से घर की रूटीन चलती है। बाकी कुछ स्पेशल नहीं था मेरी रूटीन में, एक टाइम फिक्स किया हुआ है हमारी, हाँ हमारी रूटीन में कुछ स्पेशल नहीं था, वही टाइम से पढ़ना, टाइम से उठना, टाइम से खाना, टाइम से खेलना, टाइम हाँ, से समोसे खाना, समोसा। अलीशा नाराज़ हो रही थी कि आपने क्यों बताया कि हम समोसे ज़्यादा खाते हैं, क्यों अलीशा, मैंने कोई झूठ बोला? आप लोग खाते हो ना? हम खाते हैं। आज भी देखो आयजा ने सोने के बावजूद उसको मैंने बोला आयजा उठ जाओ आपके समोसे भाइयों लोग खाने लगे हैं, आयजा उठ के बैठ गई। नहीं नहीं मुझे नींद पूरी हो गई। हाँ आयजा ने ना अपने समोसे खाने दिए उनको, उठ के 6 समोसे अपनी प्लेट में लेके बैठ गई। चलें फिर इंशाल्लाह, अब हमने नमाज फजर ली है, पढ़ यस, हमारे काम हो गए सारे डन, यस अब हम लगे हैं सोने की तैयारी पे, यस आगे अपने अपने बिस्तरों पे, यस 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 यस। बाकी इनके पापा आज थोड़े डल डल से हैं, क्योंकि वो आज इनको बाहर नहीं लेके गए, ये जरूर कहीं जाते, वेदर अच्छा था। आज उनकी वैक्सीन थी, मैं भूल गई थी, आज 27 थी, आज उनकी वैक्सीन थी, 11 बजे वो लगवा के आए हैं, तभी वो बेचारे थोड़े लेटे हुए, उनको फीवर होने लगा है। वैक्सीन मेरी भी हो चुकी है 2-3 वीक्स पहले, 6 अप्रैल को मेरी थी, मैं डन कराई अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरी एक रिक्वायरमेंट एज अ जॉब के थ्रू भी थी पूरी हो गई। और बाकी हाँ जी बोलिए मेरा बच्चा, बोलिए बोलिए बोलिए, आप पहले वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसमें कैमरा भी नहीं शूट हुआ, मम्मा ने मेरा दूध सेवन पी लिया। हाँ हाँ भाई ये भी मिस्टेक होगी आज मुझसे, मुझे लगा आयजा दस्तरखान से उठ गई है, तो आयजा अपना दूध सेवन अब छोड़ गई है, क्योंकि पूरा गिलास रखा हुआ था, जो कि ये पता नहीं शायद उठ के वाशरूम गई थी, मैं नमाज मगरिब पढ़ने के बाद वापस दस्तरखान पे गई तो दूध रखा था, मैंने पी लिया, आयजा ने जो रोना डाला मेरा दूध सेवन अब किसने पी, इसको लगे मेरे बहन भाइयों में से किसने पी लिया, मैं कहती रह गई आयजा मैंने पिया, आयजा बोले नहीं, आयजा रोने
मैंने कहा मुझसे गलती होगी, मुझे लगा ऐसा छोड़ गई है। वो समोसे हमारे फ्रेंड के लिए सिर्फ 5 समोसे हैं। जी 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 मैंने वही कहा इनसे, मैंने कहा समोसे जितने हैं इनके लिए थोड़े हैं। पता क्या पापा पीछे जाग गए हैं, शक्लें बना रहे। ओहो चलो फिर अब वीडियो का करते हैं। सो गाइस दैट्स गोना बी इट फॉर दिस वीडियो, होप यू एंजॉयड, लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड वी गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। मैंने कुछ वैसे क्या हमारी वीडियो किसी को पसंद आएगी? आएगी आएगी इंशाल्लाह, थोड़ी आम सी रूटीन है। आएगी आएगी अल्लाह हाफिज़।